हरियाणा सीईटी के लिए फिलहाल वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुरू होने के संकेत नहीं, सीईटी में अभी संशोधन नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हरिंदर राणा आज आपके लिए सीईटी अपडेट लेकर आया हूं। हरियाणा से रिलेटेड हरियाणा सरकार के ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए होने वाले सीईटी के लिए फिलहाल वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुरू होने के कोई संकेत नहीं है। हरियाणा के मुख्य सचिव कार्यालय इन तरह की कोई मूवमेंट नहीं है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन जल्द शुरू किया जाएगा। अभी तक तो सीईटी में संशोधित भी नहीं हुआ है। लाखों युवा सीईटी में संशोधित का इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने हर साल सीईटी लेने की घोषणा कर रखी है, सीईटी में भी प्रावधान किया हुआ है, मगर अभी तक ग्रुप सी और ग्रुप डी का एक एक बार ही सीईटी टेस्ट हो सकता है हुआ है। सीईटी क्वालिफाई करने की बढ़ रही है लगातार मांग। 3 साल की वैधता के बजाय लाइफ टाइम हो सीईटी। 3 साल में जो लाखों युवा योग्य हो गए हैं वे सीईटी होने का इंतजार कर रहे हैं। चूंकि अभी तक सीईटी पॉलिसी के अनुसार 4 गुना उम्मीदवार को शॉर्टलिस्ट करने का प्रावधान है, जिससे एक उम्मीदवार कई कई पदों के लिए शॉर्टलिस्ट होता रहता है और वास्तविकता में 4 गुना में बजाय 4 गुना के बजाय पदों पर भी तो सिर्फ 1.5 गुना तक ही शॉर्टलिस्ट हो पाते। इसलिए युवाओं की मांग है कि सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए, यानी जो सीईटी पास हो उन सभी को उनकी योग्यता अनुसार वाले पद को नॉल टेस्ट में बैठने का अधिकार होना चाहिए। ये युवा दैनिक सवेरा के जरिए लगातार मांग कर रहे हैं। सीईटी की 3 साल की वैधता के बजाय लाइफ टाइम वैधता होनी चाहिए। पहले एचटेट की वैधता थी 7 साल की थी, मगर आखिर में उसे भी संशोधित करना पड़ा। सीईटी स्कोर को बढ़ाने के लिए उम्मीदवार को दूसरा सीईटी में बैठने का अधिकार होना चाहिए। अगर स्कोर सुधार जाए तो उसकी स्कोर माना जाना चाहिए। तकनीकी पदों के लिए अलग से सीईटी होना चाहिए। सीईटी लागू करने में ये आती है दिक्कत। अभी तक एक ही सीईटी हुआ है जिसमें 4 गुना शॉर्टलिस्ट का प्रावधान था। अब दूसरा सीईटी होना होता तो पहले वाले सीईटी और दूसरे सीईटी स्कोर के अनुसार शॉर्टलिस्ट करने में दिक्कत आएगी। इसका एक कारण यह भी है कि BA BV की क्रीम लेयर सीमा बढ़ाई है। जो उम्मीदवार पहले BC श्रेणी में थे अब उसमें नई सीमा वाले उम्मीदवार भी शामिल हो गए। जो पहले अयोग्य थे अब योग्य हो सकते हैं। किसी का स्कोर बढ़ेगा तो किसी का स्कोर पुराने स्कोर से अपडेट करने में दिक्कत आएगी। अधिसूचित जाति को भी प्रदेश सरकार ने 2 वर्ग में बांट दिया है। पहले वाले सीईटी में केवल अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र है, मगर अब उन्होंने 2 वर्गों में कैसे बांटेंगे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन में यह प्रावधान नहीं है क्योंकि रजिस्ट्रेशन के समय भी सिर्फ कैटेगरी पूछी जाती है, जाति नहीं। 4 गुना या 10 गुना या 12 गुना का इससे ज़्यादा शॉर्टलिस्ट करने के तरीके पर भी संशय है। क्या शॉर्टलिस्ट ग्रुप में कुल पदों की संख्या के अनुसार किया जाना है या कैटेगरी और पद अनुसार किया जाना है। अभी भी HSC ने कैटेगरी और पद अनुसार शॉर्टलिस्ट किए थे, मगर इसमें एक ही उम्मीदवार कई पदों के लिए रिपीट हुए। आरक्षण शॉर्टलिस्ट के समय दिया जाना है या आखिर चयन के समय दिया जाना है, इस बारे में आयोग ने शॉर्टलिस्ट के समय ही आरक्षण दे दिया, मगर हाईकोर्ट ने HPSC केस में एक बीएच ने इसे गलत बताया हुआ। इसलिए सीट संशोधित करते समय इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। सीटी क्वालिफाई होना चाहिए, अन्यथा उम्मीदवार रिपीट होते रहेंगे। अभी तो HSC को बचे हुए ग्रुपों के पेपर लेने हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 31 मई 2024 को फैसले सुनाते समय कहा था कि 6 महीने में भर्ती पूरी हो जाएंगी। अभी ग्रुप सी पदों की कई भर्तियों के पेपर बकाए हैं। इन ग्रुपों के उम्मीदवार दैनिक सवेरा से लगातार आग्रह कर रहे हैं कि ग्रुप के पेपर जल्द से जल्द कराए जाएं। अभी तक HSC ने कोई फैसला नहीं किया है। हो सकता है कि 2 सप्ताह के भीतर इन फैसले हो जाए और आगामी 30 नवंबर से पहले पेपर हो जाए। ग्रुप डी के उम्मीदवार मांग कर रहे हैं। जो चयनित उम्मीदवार ग्रुप डी छोड़कर ग्रुप सी पदों के लिए ज्वाइनिंग कर चुके हैं उनके जाने के लिए रिक्त हुए पदों पर ग्रुप डी की सूची जारी की जाए। क्लर्कों की मांग, विभाग का दोबारा से सही बंटवारा हो, पोर्टल का विकल्प मांगा जाए। HSC ने क्लर्क के लगभग 6000 पदों के लिए चयन सूची जारी की थी। इन चयनित उम्मीदवार ने दैनिक सवेरा के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी लगातार मांग रखी है कि उनके विभाग का बंटवारा गलत हुआ है। HSC ने कोई विकल्प नहीं मांगा था, जबकि आयोग के पूर्व से क्लर्क पदों को विभाग आवंटित करने से पहले पोर्टल पर विकल्प मांगता था और मेरिट अनुसार विभागों का बंटवारा होता था, मगर इस बार आयोग ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा मेरिट से ज़्यादा अंक वाले को प्रेफरेंस अनुसार विभाग मिलना चाहिए थे। उन्होंने मुख्यमंत्री सैनी से भी आग्रह किया है कि क्लर्क को नए सिरे से विभाग आवंटित किए जाएं और उसके पोर्टल खोलकर विकल्प मांगे जाएं। तो ये थी अपडेट सीईटी क्लर्क ग्रुप डी ग्रुप सी HSC और सीईटी लागू करने में आने वाली दिक्कत, वन टाइम रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड अपडेट। तो ऐसी अपडेट के लिए चैनल को करें फॉलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।